मेरे YouTube चैनल Zoom Gadget में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक कंपैरिजन वीडियो जिसमें हम कंपेयर करेंगे Samsung Galaxy M31 को Samsung Galaxy M30s के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है तो मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की कंपैरिजन वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दोनों स्मार्टफोन के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो Samsung Galaxy M31 को ऑफिशियली मार्च 2020 में लॉन्च किया गया है। ये स्मार्टफोन Android V10 Q पर बेस्ड है और Samsung One UI पर रन करता है। वहीं Samsung Galaxy M30s को सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। ये स्मार्टफोन Android V9 Pi पर बेस्ड है और Samsung One UI पर रन करता है। बात करते हैं डिजाइन्स की, तो Samsung Galaxy M31 में आपको हाइट मिलती है 159.2 mm की, इसकी विड्थ है 75.1 mm और थिकनेस है 8.9 mm। इसमें आपको वेट मिलता है 191 ग्राम्स का और बिल्ड मटेरियल इसके बैक पर यूज़ किया गया है प्लास्टिक और कलर इसमें आपको मिलता है ब्लैक और ब्लू। वहीं Samsung Galaxy M30s में आपको हाइट मिलती है 159 mm की, इसकी विड्थ है 75.1 mm और थिकनेस है 8.9 mm। स्मार्टफोन का वेट है 188 ग्राम्स। बिल्ड मटेरियल में इसके बैक पर भी प्लास्टिक यूज़ किया गया है और इस स्मार्टफोन में आपको तीन कलर वेरिएंट मिलते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो Samsung Galaxy M31 में आपको 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है वाटरडॉप नॉच के साथ। डिस्प्ले में स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल्स का और एसेप्ट रेशियो है 19.5:9 और डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास B3 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। अब बात करते हैं Samsung Galaxy M30s की, तो यहाँ भी आपको मिलती है 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाटरडॉप नॉच के साथ। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिलता है 1080x2340 पिक्सल्स का, एसेप्ट रेशियो है 19.5:9 लेकिन इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास B3 का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है जो कि आपको M31 में मिलता है। अब आते हैं परफॉर्मेंस में, तो Samsung Galaxy M31 में आपको चिपसेट मिलता है Samsung Exynos 9 Octa 9611 का, प्रोसेसर ऑक्टा कोर है, माली G72 MP3 का ग्राफिक कार्ड है और बेस वेरिएंट में रैम 6GB की है और स्टोरेज है 64GB की, एक्सपेंडेबल मेमोरी है अप टू 512GB की। वहीं Samsung Galaxy M31 में आपको चिपसेट मिलता है Samsung Exynos 9 Octa 9611, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलता है, माली G72 MP3 का ग्राफिक कार्ड है, बेस वेरिएंट में रैम है 4GB की और स्टोरेज है 64GB की अप टू 512GB की, इसमें आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी मिलती है। चिपसेट में दोनों में कोई अंतर नहीं है, परफॉर्मेंस में सेम सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैमरा की, तो Samsung Galaxy M31 में आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है क्वाड प्राइमरी कैमरा, जहाँ मेन सेंसर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का और चौथा कैमरा भी आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का। इसमें आपको फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए मिलता है 32 मेगापिक्सल का। वहीं Samsung Galaxy M31 में आपको ट्रिपल प्राइमरी कैमरा मिलता है, जहां मेन सेंसर आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और तीसरा सेंसर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का। इसमें आपको सेल्फी के लिए मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बैटरी की बात करते हैं, तो गैलेक्सी M31 में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं M30s में भी आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब एंड में बात करते हैं दोनों के प्राइस की, तो Samsung Galaxy M31 का बेस वेरिएंट का प्राइस है 15,999 रुपये और M30s के बेस वेरिएंट का प्राइस है 12,999 रुपये। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन्स में से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है और कोई भी स्मार्टफोन बुरा नहीं है, दोनों स्मार्टफोन अच्छे हैं। अगर आपका बजट 16,000 का है तो आप गैलेक्सी M31 ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 13,000 रुपये का बजट है तो आप M30s को ले सकते हैं, दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे हैं। दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।